और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सस्पेंस खत्म हो चुका है झारखंड के सीएम पद का। रघुवर दास होंगे झारखंड के नए सीएम। जी हां, ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रघुवर दास होंगे झारखंड के सीएम। पूर्ण जनादेश मिला था इस बार। आपको ये बात बता दें, कई ऐतिहासिक बात है इस बार के चुनाव जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हुए हैं कि राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बिहार से जब अलग हुआ था और झारखंड अलग राज्य बना था, उसके बाद से लेकर पहली बार इस राज्य को पूर्ण जनादेश मिला है। किसी एक पार्टी को यहां पर पूर्ण जनादेश मिला है पहली बार। हालांकि बीजेपी के पहले भी यहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार रही है। यह पहली बार हुआ है कि जबकि बीजेपी को पूर्ण जनादेश मिला। जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि रघुवर दास अब मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि कोई गैर आदिवासी सीएम बनने वाला है झारखंड का। क्योंकि इससे पहले जो बीजेपी के भी सीएम रहे थे, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर और भी मरांडी आप ले लें, ये आदिवासी सीएम रहे थे जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड का बनने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की यहां पर बैठक हो रही थी झारखंड में। जेपी नड्डा पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर रांची में मौजूद थे और फैसला हो चुका है। हालांकि पहले से ही अटकलें तेज थी, लेकिन इस रेस में जयंत सिन्हा का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन सबको पछाड़ते हुए रघुवर दास जीत चुके हैं और इनका नाम सबसे आगे लिया गया था। पहले से ही रेस में आगे चल रहे थे, तो रघुवर दास अब होंगे जमशेदपुर ईस्ट से विधायक हैं रघुवर दास, और मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। रघुवर दास के बारे में आपको बता दें कि 1980 में भाजपा के पोलिंग एजेंट भी रह चुके हैं रघुवर दास। अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं, संघ से जुड़े रहे हैं रघुवर दास, इसीलिए भी आरएसएस से बताया जाता है जुड़े रहे हैं रघुवर दास। और इसीलिए भी बताया जा रहा था कि रघुवर दास जो है वो हो सकते हैं झारखंड के सीएम। उप मुख्यमंत्री भी, जी हां, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास, और अब मुख्यमंत्री झारखंड के नए सीएम। हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, हालांकि पहले ही रघुवर दास का नाम जो था वो सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब आखिरकार औपचारिक तौर पर मुहर लग गई इनके नाम पर। बिल्कुल श्वेता, और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन हम लोग पूरे दिन रघुवर दास के साथ ही थे और बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री शुरू से ही ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के वो प्रबल दावेदार हैं, और आज इसकी घोषणा भी हो गई है। प्रबल दावेदार वो पहले से भी थे क्योंकि उनकी छवि काफी साफ है और उनका अनुभव भी काफी है। वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, और उसके बाद दो बार वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमने कई बार सवाल भी किया, और उनके मन में ये कहीं ना कहीं तो था ही कि वो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो तमाम नेता, बड़े नेता थे, वो चुनाव हार चुके थे, और साथ में उनको उनके अंदर जो जिस तरह का उनका जुझारूपन है और जिस तरह से काम करने की शैली है, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो। और पूरे दिन जो जिस दिन काउंटिंग के दिन वो उनके साथ रहने का मौका मिला, तो उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि अगर झारखंड, अगर उनको मौका मिलता है तो वो किस तरीके से झारखंड को आगे ले जाएंगे, क्योंकि 14 वर्षों में कोई भी जो मुख्यमंत्री हुआ है वो सही दिशा नहीं दे पाया, एक तरह से कहा जाए तो झारखंड को। और वो इनकी इच्छा है कि वो झारखंड को एक नई दिशा दे, उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाए। तो आज, क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि रघुवर दास ही झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, और आज इस घोषणा के साथ ये तय हो गया कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो निश्चित रूप से झारखंड को काफी फायदा मिलेगा इससे। हालांकि सुजीत, ना सिर्फ बीजेपी में इस तरह की बातें थी, बल्कि झारखंड में जो बीजेपी की यानी कि भाजपा की जो सहयोगी है आजसू, उसकी तरफ से भी रघुवर दास के नाम पर सहमति थी। बिल्कुल, शुरू से ये माना जा रहा था कि रघुवर दास ही, क्योंकि बड़ी पार्टी है बीजेपी वहां पे, और जो आजसू है उसके जो नेता है सुदेश महतो, वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन ये आसुजू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये सर्वमान्य नेता माने जाते रहे हैं,
और एक एक औपचारिकता थी इसकी, विधायक दल का नेता चुना जाना और या संसदीय बोर्ड ने जो फैसला किया है, तो ये औपचारिकता मात्र थी और ये माना जा रहा था कि रघुवर दास ही झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, साफ सुथरी छवि अपने आप में बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ। लेकिन सुजीत से हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता जैसे बता रहे थे, और ये सही बात है, अगर इनका पोर्टफोलियो देखा जाए, आप ये समझिए कि 1995 में पहली बार विधायक बने रघुवर दास जमशेदपुर ईस्ट से विधायक हैं और साफ सुथरी छवि रखने वाले ये नेता रहे हैं, काम करते रहे हैं। 2009 में झारखंड के डिप्टी सीएम भी रहे, यानी उप मुख्यमंत्री का पद भी इन्हें मिला था और उसके बाद एक्सपीरियंस भी इन्हें रहा है और साफ सुथरी छवि रही है, विकास करते रहे हैं, विकास का काम करते रहे हैं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री भी रहे थे तो उसमें भी इनका काम जो इन्होंने किया था अपने कार्यकाल में उसे भी सराहा गया था। इसलिए पहले से कहा जा रहा था रघुवर दास के नाम पर मुहर लग सकती है जब से चुनाव हुए थे, लेकिन अपने आप में बड़ी बात। और इस पर सवाल इसलिए भी नहीं उठ सकते हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में पहली बार बनी है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले जब भी बीजेपी रही है यहाँ पर सरकार में, गठबंधन की सरकार रही है, इसलिए गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन इस बार अब सवाल उठने का कोई नाम नहीं है, रघुवर दास पर मुहर लग चुकी है। तो इस खबर के बाद रघुवर दास की जो पत्नी है, जो परिवार के लोग हैं, तो सबसे पहले पत्नी ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, ये सुनते हैं। शादी हुई तो रघुवर की पत्नी कहलाई, उनके बाद 1995 में विधायक बने पहला बार, तो मैं विधायक की पत्नी कहलाई। उसके बाद मैं मंत्री बने झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने, तब मैं उनकी पत्नी कहलाई। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी बनी, उस लोग बोले प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी कहलाई इस समय। अच्छा, उसके बाद अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बनने के बाद मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पत्नी कहलाई। अब झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी कहलाने लगी। मैं उनको पूरा अब राय झारखंड राज्य के प्रति उसको समर्पित कर दी हूँ। सोची थी इतना मेहनत करते, इतने सालों से राजनीति में है तो जरूर किसी न किसी से उनका भी सपना परिवार का सपना पूरा होगा। पापा जब से राजनीति में आए हैं ऐसे तो घर परिवार में उतना समय नहीं दिए हैं, लेकिन एक पिता होने के नाते उन्होंने अपना सारा फर्ज निभाया है एक अच्छे पिता होने का। पापा की खासियत क्या है? वो अपने परिवार को प्यार करते हैं, उनकी ईमानदारी, उनका सहयोग समय समय पर। उनका बेटा हो तुम? नहीं, ध्यान देते हैं पापा में, पूरा ध्यान देते हैं, भले रहते हैं आउट ऑफ स्टेशन पर हमेशा फोन करते रहते हैं। कितना बार? एक सुबह, एक शाम, एक रात। पापा की खासियत क्या है? ऑनेस्टी। और एक पिता होने के नाते? बहुत विश्वास करते हैं मेरे ऊपर। और रांची से इस वक्त हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रघुवर दास को, जैसा कि आपको हमने खबर बताई कि रघुवर दास बने हैं मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्हें बताया गया है। रोहित, इसी से जुड़ा आपसे ये सवाल भी है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में बनाया जा रहा है, कितना मुश्किल या फिर कितना आसान? देखिए, ये बीजेपी में एक नई परंपरा शुरू हुई है जो हम लोग पिछले दो महीने में देखा है कि हरियाणा में एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया, महाराष्ट्र में एक गैर मराठा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अब झारखंड में भी एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिसमें रघुवर दास जो कि गैर आदिवासी हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। इस वक्त जो मीटिंग चल रही है बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की, वो अंदर चल रही है, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स वहाँ पर हैं और अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि सभी जो विधायक हैं उन लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास
के नाम पर मुहर लगाई है। और रघुवर दास का नाम अब आसान इसीलिए हो गया था क्योंकि जो आदिवासी नेता जो बड़े थे यहाँ के अर्जुन मुंडा, वो खरसावा से चुनाव हार गए थे। वो सबसे बड़ा रोड़ा थे रघुवर दास के रास्ते में, और वो जब से चुनाव हार गए थे उसके बाद रास्ता रघुवर दास का थोड़ा आसान नजर आ रहा था। और इस बार जो 37 विधायक जो बीजेपी से चुन के आए हैं उसमें से मात्र 11 ऐसे हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसको देखते हुए तय माना जा रहा था कि एक इस बार गैर आदिवासी एक्सपेरिमेंट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे लागू किया जाएगा, और यही हुआ है। रघुवर दास झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।